डिस्क्लेमर, हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जब से हमने अपना चैनल शुरू किया है, मोमिन हजरात की धमकियां सुन रहा हूं। ये लोग कमेंट बॉक्स में धमकियां देना और अपशब्द लिखना अपना फर्ज समझते हैं। शुरुआत में तो कुछ लोगों ने मेरी आवाज पहचान ली थी, जिसके चलते हमें 3 बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा। अब वॉइस चेंजर लगाने से हमारी आवाज को पहचानना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ लोग हैं जो हमारी खोज में बहुत तेजी से लगे हैं। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपना ठिकाना एक बार फिर बदलने को मजबूर हैं। इस बार किसी दूसरे स्टेट में जाकर रहने का इरादा है, इसीलिए हो सकता है 1-2 दिन वीडियो ना डाल पाऊं। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, बस एक आखिरी जिम्मेदारी बची है, वो पूरा कर लूं तो खुलकर सामने आ जाऊंगा। लेकिन मोमिनों की इन हरकतों से साफ है कि हम जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसके चलते इन पर असर भी पड़ रहा है और इस कल्ट को खत्म करने के लिए हमारा चैनल हमेशा लोगों को जागरूक करने का काम करता रहेगा। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक सहायता की मांग नहीं करता है। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। भाई, मेरा जो आज का मौजू है, आज का जो टॉपिक है, वो मालूम है आपको सर, जिस पर बात करने के लिए आपको बुलाया गया है? जी। तो आपका ईमान है इस बात पर कि इस्लाम ही इस दुनिया का अकेला वाहिद सच्चा मजहब है? हाँ। आप क्यों मानते हैं कि सिर्फ इस्लाम ही इस दुनिया का अकेला सच्चा मजहब है? क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो ठीक है, फिर क्रिश्चियंस भी कहते हैं कि यहावे के सिवा कोई गॉड नहीं है, तो फिर वो भी सच्चा हो गया। सनातनी भी कहते हैं कि परम ब्रह्म से के सिवा कोई ईश्वर नहीं है, तो वो भी सच्चा हो गया। और आपके जो यहूदी हैं, वो भी कहते हैं कि उनके गॉड के अलावा कोई कोई माबूद नहीं है, वो अकेला सच्चा माबूद है, तो वो भी सच्चा हो गया फिर इस दलील पर। तो उनको जो कहना है कहने दो, मुसलमानों के लिए इस्लाम सच्चा है। ओके, तो अगर मुसलमानों के लिए इस्लाम सच्चा है और क्रिश्चियनों के लिए क्रिश्चियनिटी सच्ची है और यहूदियों के लिए जुडाइज्म सच्चा है, सनातनियों के लिए सनातन सच्चा है, तो फिर सारे सच्चे हैं ना फिर सबके लिए? तो फिर आपका आपका इस्लाम अकेला सच्चा कैसे मतलब हुआ फिर? क्योंकि मुसलमानों का ये दावा होता है कि इस्लाम ही इस दुनिया का अकेला वाहिद, अकेला का मतलब खाली वही और कोई नहीं, वाहिद सच्चा मजहब है। तो उसके लिए दलील जब मांगते हो आप मुसलमानों से, तो वो दलील क्या क्या देते हैं और उनको जस्टिफाई कैसे करते हैं? अभी तो इस पर बात हो रही है, अभी आगे उस पर टीचिंग पे जा ही नहीं रहे। तो मेरे भाई, इस हिसाब से तो सारी दुनिया के मजहब सच्चे हैं, क्योंकि उनके मानने वालों के लिए उनका मजहब सच्चा है। फिर इस हिसाब से अकेला इस्लाम तो फिर सच्चा नहीं हो सकता, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा बाकी जो लोग हैं उनके अकीदे में उनके मजहब सच्चे हैं, हमारे अकीदे में हमारा मजहब सच्चा है, फिर आपको ये कहना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते आप, तो ये नहीं आप कह सकते कि अकेला सच्चा मजहब है दुनिया का? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो शुक्रिया ये बात मानने के लिए कि इस्लाम इस दुनिया का वाहिद अकेला सच्चा मजहब नहीं है। थैंक यू। अब आगे चलते हैं सर, आपके लिए इस्लाम सच्चा है सर? ओके, इस्लाम के सच्चा होने की दलील क्या है? क्योंकि अल्लाह एक है, उसके बाद आता है प्रॉफिट मोहम्मद, अल्लाह के बाद उनका ओहदा है इस्लाम में। दुनिया के सारे बिलीफ में एक ही गॉड का कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हारे पास स्पेशल क्या है? नहीं, लेकिन हम लोग का डायरेक्ट एक ही गॉड है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अरे भाई, उनका अरे भाई, तुम्हारा डायरेक्ट तीन स्टेज में मानता है, हिंदू क्या सारी दुनिया देवता इतना सारा को मानता है? भाई भाई, जवाब सुन ले, सारी दुनिया के रिलीजियस फिगर में एक ही डायरेक्ट गॉड है, बाकी जो भी काम करते हैं वो उसके अंडर में काम करते हैं, और तुम्हारा अकेला खुदा डायरेक्ट गॉड नहीं है, उसको उसके नीचे फरिश्ते भी हैं, उसके नीचे नबी भी हैं, उसके नीचे जो है अंबिया भी हैं, वली भी हैं, अब्दाल भी हैं, ताबई भी हैं, ताबई भी नहीं, सारे हैं, क्योंकि अल्लाह ने भी तुम्हारे पास डायरेक्ट आकर के तुम्हें कलाम हाथ में नहीं दिया, उसने जिब्रील के हाथ भेजा, जिब्रील ने मोहम्मद को दिया, मोहम्मद ने साहबी को दिया, साहबी ने ताबईन को दिया, ताबईन ने ताबईन को दिया, फिर जो है वली और अब्दाल तक पहुंचा, फिर आपके बादशाहों तक पहुंचा, फिर आप तक पहुंचा, डायरेक्ट कुछ नहीं है यहाँ पर, नथिंग लाइक डायरेक्ट। उसी तरीके से अगर दूसरों के देवी देवताओं की बात करते हो, तो वो देवी देवता अपॉइंट किए हैं उनके ईश्वर ने, ईश्वर उनका भी एक ही है जो तुम्हारा एक खुदा है, ना तुम्हारा डायरेक्ट है ना उनका डायरेक्ट है, तो ये भी बोंगी खत्म, कोई ढंग का मुझे आर्गुमेंट नहीं। नबी की पूजा नहीं करते हम लोग, नबी को गॉड नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? बिल्कुल मानते हो, बिल्कुल मानते हो, साबित नहीं मानते? आई कैन प्रूव, आई ओके, आई प्रूव यू राइट नाउ, ईसा को नहीं मानते, मोहम्मद को गॉड नहीं मानते? अरे भाई, साबित करने देगा कि नहीं करने देगा? मैं साबित करूं कि मानते हो तुम? मैं नहीं मानता भाई, साबित कर। ठीक है, रुक जाओ, मैं तुम्हारे स्क्रिप्चर से भी तुम साबित करूंगा। टीम मेंबर एक बात बताओ, तुमने कभी किसी ऐसे अब देवी देवता की बात करी सनातन को लेकर, क्या तो उसमें चलते हैं, कोई भी हिंदू मुझे बताओ कि क्या किसी ने कभी सुना कि परम ब्रह्म, परम परमेश्वर, जो एक परम परमेश्वर है जो सब देवों से ऊपर है, सब अवतारों से ऊपर है, कि वो किसी अवतार की या किसी देव की वो पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है? किसी ने सुना है आज तक? नहीं करता ना। लेकिन आई कैन प्रूव यू फवाद भाई फ्रॉम कुरान,
कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे मोहम्मद के लिए नमाज पढ़ता है, मैं साबित कर सकता हूं। अल्लाह फरमाता है खुद कुरान के अंदर, मैं और मेरे फरिश्ते मोहम्मद पर सलात पढ़ते हैं, तो ए मोमिनो तुम भी मोहम्मद पर सलात पढ़ा करो। जिस आदमी का नाम तुमने अल्लाह के साथ जोड़ दिया, जबकि अल्लाह के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, जिस आदमी की दरूद शरीफ पढ़े बगैर तुम्हारी नमाज नहीं हो रही है, जिस आदमी का नाम लिए बगैर तुम्हारा कलमा मुकम्मल नहीं हो रहा है, जिसके लिए तुम्हारा खुदा उसके फरिश्ते नमाज पढ़ रहे हैं, उसको और कैसे पूजा करोगे तुम उसकी? अल्लाह के बाद प्रॉफिट मोहम्मद है। मैंने आपको समझाया कि नहीं समझाया? मैं कह रहा हूँ अल्लाह, अगर अल्लाह के बाद मोहम्मद है तो फिर अल्लाह नमाज क्यों पढ़ता है मोहम्मद पर, सलात क्यों पढ़ता है मोहम्मद पर, बताओ? अरे क्या बोल रहे भाई, अल्लाह क्या नमाज पढ़ेगा? ओके, आई कैन शो यू द सूरह आदाब, सूरह चैप्टर नंबर 33 है वो, और वर्स नंबर है मेरे ख्याल से 32-40 के बीच में है। ले भाई ये रही 43। वही है जो तुम पर अपनी रहमतें भेजता है, और इस पर और इसके फरिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआएं रहमत करते हैं, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाए, और अल्लाह ताला मोमिनों पर बहुत ही मेहरबान है। यहां पर जो लफ्ज आया है कि अल्लाह ही तुम पर रहमत भेजता है, इसका तर्जुमा तुम्हारे मुसलमानों ने, तुम्हारे स्कॉलर ने रहमत किया है, वो लफ्ज है युसल्ली, सलात युसल्ली, और इसी का मीनिंग तुम्हारी कुरान के अंदर हर जगह नमाज लिया गया है, हर जगह नमाज लिया गया है। तो यहां पर अल्लाह तुम्हारा तुम्हारे मोहम्मद पर नमाज भेजता है, सलात भेजता है, और तुम्हारे लिए भी नमाज पढ़ने के लिए हर जगह वर्ड इस्तेमाल किया गया है सलात युसल्लू। तो अब मुझे बताओ तुम कि जब तुम्हारा मोहम्मद खुदा नहीं है तो तुम्हारा अल्लाह और तो उसके फरिश्ते क्यों नमाज पढ़ते हैं उसके लिए? अगर मोहम्मद खुदा नहीं है तो फिर उसके ऊपर अल्लाह सलात क्यों पढ़ता है, जबकि उसको पढ़ना चाहिए अल्लाह के ऊपर, क्योंकि अल्लाह मोहम्मद के बाद, मोहम्मद अल्लाह के बाद है, अल्लाह क्यों पढ़ रहा है सलात? अल्लाह ने सलात दिया है मुसलमानों को पढ़ने के लिए, अल्लाह खुद भी कह रहा है, शुरू से पढ़ो। वही है जो तुम पर अपनी सलात भेजता है, अल्लाह ही है जो तुम पर अपनी सलात भेजता है। तो अल्लाह क्यों भेजता है अपनी सलात मोहम्मद पर, जबकि सलात का मतलब नमाज है और वो तुमको पढ़नी है अल्लाह के लिए, और मोहम्मद को पढ़नी है अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह क्यों पढ़ रहा है मोहम्मद के लिए अगर उसकी इबादत नहीं करनी? जैसे आपने कहा कि मोहम्मद गॉड है, लेकिन नहीं, नमाज में मोहम्मद, मैंने नहीं कहा मोहम्मद गॉड है, मैंने कहा मोहम्मद तुम्हारे यहाँ तुम्हारे अकीदे में गॉड तो नहीं है, लेकिन गॉड से भी ऊपर उसको रखा गया है, क्योंकि अल्लाह खुद नमाज पढ़ रहा हो, जिसके लिए वो क्या होगा सोचो आप, जितने नबी जितने रसूल आए सबसे ऊंचा होगा प्रॉफिट मोहम्मद का है सबसे ऊंचा होगा। इस बात ये बात तुम्हारी खुद कुरान के खिलाफ है, क्योंकि खुद कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि हम अपने नबी और रसूलों में फर्क नहीं करते, तो तुझे किसने बोला सबसे ऊपर मोहम्मद है जब वो फर्क ही नहीं करता अल्लाह? अल्लाह के बाद मोहम्मद है। मैंने पूछा जब कुरान खुद कह रही है कि आप अल्लाह अपने रसूलों में फर्क नहीं करता, तो फिर सबसे ऊंचा मोहम्मद कैसे हुआ जब रसूलों में कोई फर्क ही नहीं है और नबियों में सब बराबर है, एक काम के लिए भेजा गया, अलग अलग सिचुएशन में भेजा गया। हाउ मोहम्मद इज सुपीरियर देन व्हेन एवरीबॉडी इज इक्वल, क्योंकि उनके अंदर हर एबिलिटी अल्लाह ने दे दी थी। रेफरेंस चले, अब बहुत हो गया मुंह की बातें, इसका रेफरेंस दो के मोहम्मद सारे रसूलों से अफजल है, कहां लिखा हुआ है, शो मी। इन मोमिनों को केवल मुंह से बकवास करनी आती है, रेफरेंस के नाम पर इनके पास कुछ नहीं होता, पर ये दूसरों से रेफरेंस मांगना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। दो हवाला पेश करो, कुरान परफेक्ट मोहम्मद पे आया। अरे तो फिर ओके, तो उस कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सुपीरियर है, क्योंकि इसमें कुरान आया, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस, अगर कॉमन सेंस किताबों पर लगा रहे तो इब्राहिम पे भी सभी ईफ आए, मूसा पे भी तौरात आई है, ईसा पे भी इंजील आई है, तुम्हारा नबी कोई पहला नहीं है इस पर कोई किताब आई हो, इससे वो सुपीरियर कैसे हुआ? इनके मोहम्मद रसूलल्लाह सुपीरियर हैं, बेहतरीन रोल मॉडल है, उस्वतुल हसना, और उनका हर एक किया हुआ काम इनके लिए सुन्नत है, इनको करना है। तो प्यारे भाई, क्या आप 6 साल की बच्ची से निकाह करना पसंद करेंगे? सेकंड क्वेश्चन, क्या आप अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करना पसंद करेंगे? क्या आप जहर खाकर मरना पसंद करेंगे? पहला सवाल का जवाब लीजिए ना। जी जी, रेफरेंस दीजिए, बताइए। सूरह अल-आराफ चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 2। ओके, 7:2 मुझे खोलनी है, वहां पर मुझे मिलेगा मोहम्मद बाकी नबियों से सुपीरियर है। चलें, चलते हैं वहां। जी भाई पढ़े सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 2।
जी ये किताब है जो आपके पास इसलिए भेजी गई है कि आप इसके जरिए से दयामी सो आप के दिल में इससे बिल्कुल संगी ना हो और नसीहत ईमान वालों के लिए। ओके, इसमें मोहम्मद कहाँ है और इसमें सुपीरियर कहाँ है? इसमें मोहम्मद का नाम भी है आयत में कहीं? मोहम्मद दिखा तुमको, सब नबी अपने अपने जगह पे है, अपने अपने जगह पे सब अच्छा है, लेकिन अभी तो तूने बोला कि मोहम्मद सुपीरियर है, मैंने तो उसका रेफरेंस मांगा है कि मोहम्मद बाकी नबियों पर सुपीरियर है, उसका रेफरेंस दे तो मुझे कुरान से, किधर है? क्योंकि उनके बाद कोई नहीं आने वाला इस दुनिया में। अरे भाई मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि वो लास्ट है कि पहला है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ वो सुपीरियर है बाकी नबियों से, नबी से इसका रेफरेंस कहाँ है भाई? उनका ओहदा है बस इतना कहा गया है। कहाँ कहा गया है वही तो पूछ रहा हूँ, किधर कहा गया है, कौन सी आयत में रेफरेंस देना भाई? वो लास्ट नबी था, उसके बाद कोई नहीं आने वाला था, इसलिए अरे भाई ये किधर लिखा हुआ है कि वो लास्ट नबी है उसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला? किधर लिखा है ये? मुझे ये साबित कर दे किसी भी रेफरेंस से कि मोहम्मद जो है वो आखिरी रसूल है। चल इसी पे आ जा, साबित कर। देख रहा हूँ एक मिनट। अच्छा देख रहे हो, देख लो म्यूट करके देखो। हेलो जी, ये तो हाल है, किसी चीज का रेफरेंस नहीं, दावे हर चीज के। अब बेचारा रेफरेंस घंटों में ढूंढेगा, लेकिन मैंने सूरा ऑलरेडी पहले खोल के सामने रख लिया क्योंकि मुझे पता है कि कहां जाएगा। मुझे पता है मेरे पास है रेफरेंस, लेकिन इसके पास नहीं है। अब ये करेगा गूगल। ऐसा हाल हो गया मुसलमानों का कि जिस गूगल को और जिस यहूदियों को लानतान करते हुए जिंदगी गुजारी है, आज इस्लाम को बचाने के लिए उन्हीं के गूगल का सारा लेना पड़ता है। चले जी, हमारे भाई ये तब तक रेफरेंस लेके आ रहे हैं, तब तक मैं एक छोटी सी बात रखता हूँ आप लोगों के सामने इनके दलील के ऊपर। एक आदमी जो कि अपने आप को सारे नबियों का इमाम कहता है, हफ्सा बिन शादा की तरफ से कुछ नॉइज आ रहा है, एक मिनट के लिए म्यूट कर ले। एक आदमी जो कहता है कि मैं तमाम अंबिया इकराम का जो है इमाम हूं, उसको एक सफर के लिए बुलाया जाता है, मेराज का सफर जिसको कहा जाता है, मेराज के सफर पर उसको बुलाया जाता है खोते को भेजकर, एक गधे को भेजकर, ना तो पूरा गधा था ना तो पूरा घोड़ा था, बल्कि बीच की कोई ब्रीड थी अलग ही, यानी कि खोता। अब उसके ऊपर बिठा करके उसको सबसे पहले वहां से उड़ा करके मक्का से उसको लैंड किया जाता है मस्जिद अक्सा के ऊपर। और ये याद रहे कि ये मस्जिद अक्सा जो है वो टॉम्ब ऑफ सुलेमान है, जिसको तोड़ दिया गया था, और उस वक्त वो वजूद में नहीं थी, वो वहां पर थी नहीं, टूट गई थी, बाद में उमर ने आने के बाद उसको मस्जिद अक्सा बनाया, वरना उससे पहले वो एक टेम्पल था, सोलोमन टेम्पल, ठीक है, टॉम्ब ऑफ द सोलोमन। तो उस जगह को पर उसको लैंड किया जाता है, और बाद में लिखा जाता है कि जी जो मस्जिद अक्सा में वो गया। अब जब मस्जिद अक्सा एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, उसको बनाया बाद में उमर ने है, तो फिर कौन सी मस्जिद पे लैंड हुआ मोहम्मद? अब वहां होने के बाद क्या करता है जी, देखता कि सारे अंबिया वहां पर मौजूद है मस्जिद अक्सा। एक्सक्यूज मी, होल्ड ऑन लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, होल्ड ऑन, रेफरेंस निकाल लिया है तो अपने पास रखो, रुको दो मिनट, करते हैं बात। मस्जिद अक्सा में जब लैंड हो जाता है तो वहां पे सारे नबी जो है वो मौजूद है, और उन सारे नबियों को मोहम्मद जो है वो इमामत कराते हुए नमाज पढ़ाता है, और वो सारे के सारे नबी मोहम्मद की इमामत में पीछे पीछे खड़े होकर के और मुक्तदी बनकर के नमाज पढ़ते हैं मोहम्मद की इमामत में। उसके बाद वहां से सफर शुरू होता है अल्लाह के अर्श तक पहुंचने का, सातवें आसमान पर जाने का, और वहां पहुंचता है, और वहां जाने के बाद अल्लाह तोहफे में क्या देते हैं सर उसको? नमाज। उनको तोहफे में क्या मिलती है? नमाज। जब मोहम्मद को मेराज के मौके पर वापसी में तोहफे में नमाज मिली, तो मोहम्मद ने मस्जिद अक्सा में इमाम वो उसको अंबियाओं को क्या पढ़ाई? नमाज। कैसे पढ़ाई? पचास टाइम की थी ना? पहले 50 टाइम की मिली, फिर 45, फिर 40, फिर 35, फिर 30। भाई किसी आदमी को आप कुछ तोहफा दे रहे हो, वो उससे पहले नहीं मिला किसी को ऐसा तोहफा जो आप किसी को आने पर दे रहे हो, वो है नमाज। तो जब नमाज मिली ही मेराज पर जाने के बाद है, तो मोहम्मद अंबियाओं को क्या खोते का खुर पढ़ा करके गया है, या उनको पूजा पाठ करा के गया है अंबियाओं को, क्या करा के गया है जब नमाज थी ही नहीं? और अगर पहले से थी तो फिर तोहफे में वो चीज क्यों थी जो पहले से थी? तो कितने बेवकूफ किस्म के आर्ग्यूमेंट और इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट होते हैं इन मुसलमानों के, इनकी किताबों के, इनको पढ़ो तो लिटरली हंसी आने लगती है अगर कोई थोड़ा सा दिमाग लगा करके पढ़ ले। चले ये भाई आ गया रेफरेंस लेकर के, शायद इससे बात करते हैं। हाँ भाई रेफरेंस बताओ। मैं आपको भी गलत साबित करता हूँ, आपने कहा मोहम्मद नबी है, दिखाओ सूरह यासीन आयत नंबर 3।
मैंने ये कब कहा मोहम्मद नबी है दिखाओ। मेरा खुद सवाल अपने अकॉर्डिंग बदल करके और उसका खुद जवाब दे करके मुझे गलत साबित करो। तुम्हारी मेरी बात चल रही थी इस पर, तुमने कहा कि मोहम्मद आखिरी रसूल है। मैंने कहा मुझे साबित करो कि मोहम्मद आखिरी रसूल है, उसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। मैंने तो ये कहा तो मोहम्मद नबी कहां से आ गया मोहम्मद? अगर तुम ये लेने बात से पलट गए, अब बात से पलट गए। मैं बात से अगर मैं अभी ये वीडियो यही तेरा मेरा डिस्कशन पीछे करके तुझे सुना दूं कि तू किस चीज का रेफरेंस लेकर लेने गया था मेरे भाई, और वो वही हुआ जो मैंने बताया, और वो ना हुआ जो तूने बताया, तो तू इस्लाम छोड़ देगा भाई? अभी बता मेरे भाई फवाद, छोड़ देगा अभी इस्लाम अगर वो ना बात हुई जो तूने बोली और वो वही बात हुई जो मैंने बोली? विल यू लीव इस्लाम? ये लोग कितने झूठे और मक्कार होते हैं, इन्हीं बातों से साबित होता है। देखिए किस कदर बेशर्मी से सफेद झूठ बोल रहा है। रेफरेंस नहीं मिला तो मेरा सवाल ही बदलने लगा। अगर तू ये लेने गया था कि मोहम्मद नबी है तो जाने की जरूरत नहीं थी, मोहम्मद नबी और रसूल ये देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी भाई। मैं तेरे को ही बैठे बैठे चार आयतें दे देता जिसमें मोहम्मद को रसूल कहा जा रहा है, तू क्यों परेशान होने गया? मैंने तो ये पूछा है कि मोहम्मद आखिरी रसूल है, ये साबित करो। भाग गया, म्यूट लगा के भाग गया। बताओ कर लो इनका, क्या करो ये सर? इसीलिए मैंने 33 खोल रखी थी सूरह अल अहज़ाब, क्योंकि इसी के आयत नंबर 40 में वो रेफरेंस है जहां से दावा करते हैं कि मोहम्मद आखिरी रसूल है। लेकिन जब आप इस आयत को ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोहम्मद अगर खातम नबीन का मतलब आखिरी भी है तो मोहम्मद नबी आखिरी है, रसूल आखिरी नहीं है। मोहम्मद रसूल आखिरी नहीं है, नबी आखिरी है। क्यों क्या कहा गया यहां पर? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, नहीं है मोहम्मद रिजाल बाप तुम में से किसी का, वलाकिन रसूल अल्लाही लेकिन अल्लाह का रसूल, व और खातमन नबीयीन नबियों की मोहर, नबियों की मोहर। लेकिन ये इसको खातमन नबीयीन को कुछ लोग मानते हैं नबियों की मोहर, मोहर का मतलब होता है वेरीफाइड करने वाला, जो पहले नबियों को वेरीफाइड करता है वो, और खातमन नबीयीन से मुराद लेते हैं आखिरी नबी। तो यहां पर मोहम्मद आखिरी नबी है, व्हाट अबाउट रसूल? आखिरी रसूल नहीं है वो खातिमुर रसूल नहीं है, खातिमुन नबीयीन है। तुमने साबित करना है आखिरी रसूल, इसका मतलब ये है कि अब आपको नबी नहीं आएगा लेकिन रसूल आ सकता है, राइट चोटी मेंबर? ये मतलब निकलता है इसका कि नबी नहीं आएगा लेकिन रसूल आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतने बड़े बोंगी बाज और जलेबी बाज है, मेरा सवाल ही बंदा चेंज कर दिया। 800 लोगों के सामने झूठ बोला है ऑन स्ट्रीम कि जी मेरा तो ये सवाल नहीं था। हाँ भाई, क्या कहते हो, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारा मोहम्मद आखिरी रसूल है? क्योंकि एक सिंगल आयत है कुरान के अंदर जिसके अंदर ये बात कही जा रही है खातिमुन की, और वो खातिमुन नबीयीन है, खातिमुन रसूल नहीं है। अच्छा आप मेरे को एक बात बताइए, उसके बाद कौन नबी आया बताइए? मैं तो नबी कह ही नहीं रहा, मैं तो रसूल की बात कर रहा हूँ। रसूल आ सकता है कि नहीं आ सकता? अरे वो रसूल नबी दोनों थे भाई। हाँ थे, तो वो नबियों का खत्म करने वाला है, रसूलों का नहीं। रसूल आ सकते हैं मतलब कौन आया बताइए? नहीं आपको आए नहीं तो आएंगे नहीं क्या? 1400 साल गुजरे हैं ना अभी मोहम्मद को आए हुए। मोहम्मद खुद ईसा के जमाने के 2500 साल के बाद आया था। अगर बीच में कोई 1400 साल में पूछता कि ईसा के बाद कौन सा रसूल आया तो जवाब नहीं होता ना, लेकिन 2500 साल के बाद जवाब था ना तुम्हारे पास कि मोहम्मद आया है। उसी तरीके से अब कितने टाइम के बाद दूसरा कोई रसूल आएगा कौन कह सकता है? क्योंकि मोहम्मद खातिमुर रसूल नहीं है, आखिरी रसूल नहीं है, आखिरी नबी है। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि नबी कोई नहीं आएगा लेकिन रसूल आ सकता है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देकर बताता हूँ कौन कौन रसूल आने वाला है दुनिया में। एक तो खुद ईसा अलैहि सलाम वापस तशरीफ लाने वाले हैं दुनिया में, वो भी कयामत के दिन आएंगे ना? अबे कयामत के दिन नहीं आएंगे डंगर, कयामत से पहले आएंगे, उसके बाद कयामत आएगी। थोड़ा पढ़ ले ठीक है, पहले आकर के वो दज्जाल के वक्त पर जो है ना लड़ाई करेंगे दज्जाल से और दज्जाल के मानने वालों से और यहूदियों से, और यहूदियों को कत्ल किया जाएगा, फिर सारे लोग दुनिया में मुसलमान हो जाएंगे, उसके बाद कयामत आएगी, और उसके बाद जो है ना फिर सारे के सारे लोग दुनिया में काफिर हो जाएंगे, अब फिर कयामत आएगी, फिर ईसा नहीं आएंगे। ईसा एक बार आकर के इस्लामी हुकूमत कायम करके सारी दुनिया को मुसलमान बना करके काफिरों को कत्ल करके चले जाएंगे, उसके बाद में सारी दुनिया इस्लाम पर रहेगी, फिर कुछ दिन के बाद बिगाड़ आएगा दुनिया में, फिर ऐसा बिगाड़ आएगा कि दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। जब दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा तब कयामत आएगी। तो कयामत बहुत बाद में आने वाली है मेरे प्यारे बच्चे, अभी तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। लेकिन ईसा खुद एक रसूल है तुम्हारे अकीदे से, वो आएगा वापस, अभी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम कहते हो उसको, वो आएगा अभी। और रसूल की डेफिनेशन पता है क्या होती है? रसूल की डेफिनेशन होती है जो एक नई शरीयत लेकर के आए। ईसा की अपनी खुद की एक शरीयत है, लेकिन तुम्हारे मौल भी बोंगी मारते हैं जलेबी बनाते हैं, ये कहते हैं कि ईसा जो है रसूल बन करके नहीं उम्मती बन करके आएंगे। एक आदमी अगर पैदा किया गया रसूल
और फिर वो मरा नहीं, उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, वही जिंदगी उसकी बादस्तूर चालू है, और उसी जिंदगी में वो कहीं और जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर दूसरी जगह से पहली जगह वापस आता है, तो उसकी रिसालत खत्म नहीं हो जाती एक जगह आने जाने से, क्योंकि अभी वो जिंदा है, मरा नहीं है। तो ईसा तुम्हारे अकॉर्डिंग मरा नहीं है, जिंदा आसमान पे उठाया गया और आसमान से जिंदा वापस नीचे उतारा जाएगा, तो उसकी रिसालत खत्म नहीं है अभी, और वो तब भी रसूल ही रहेगा जब वो आएगा। इसलिए मेरे भाई तुम्हारे बहुत रसूल आएंगे अभी, यहां तक कि छोड़ो यार मैं किसको समझा रहा हूं, तुमको तो मैसेंजर और रसूल की डेफिनेशन तक नहीं पता होगी। कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ मैसेंजर? कोई मकसद से आएंगे ना भाई, ईसा कोई मकसद से ना आएंगे? आएगा ना, तुम्हारा तो कहना रसूल कोई आएगा ही नहीं, आएंगे ना, तो तुम्हारी बात गलत हो गई, बात खत्म। अरे ईसा मोहम्मद से पहले आए थे भाई। अबे फिर आएंगे दोबारा डंगर, वही समझा रहा हूँ। अरे तो पैदा नहीं ना होंगे, उनका जन्म नहीं ना होगा, ऐसे ना आएंगे। ओके तो इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि रसूल पैदा नहीं होगा? कहाँ लिखा हुआ रसूल पैदा नहीं होगा? जिंदा जवान उठा लिए गए थे तो आएंगे। चल तुम ये मानते हो कि ईसा को अल्लाह ने जिंदा उठाया था, मानते हो? हाँ। ओके क्यों उठाया था? उनको मारने की साजिश हो रही थी। तूने माना कि ईसा को अल्लाह ने जिंदा उठा लिया क्योंकि लोग उनको मारना चाह रहे थे, ठीक है, गॉट इट। और तूने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मोहम्मद सारे नबी और रसूलों में सुपीरियर है, राइट? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था कि सुपीरियर है मोहम्मद क्योंकि उस पर कुरान आई है, क्योंकि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, यही कहा था ना तूने भी, सुपीरियर है मोहम्मद। मैं कहने का मतलब औहदा उनका बहुत है, बहुत है ना, ईसा से ज्यादा है ना औहदा उनका, नबी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, सब नबी अपने। कितना बड़ा गलीज बंदा है ये, अभी कुछ देर पहले रसूल को सबसे ऊंचे दर्जे पर बैठा रहा था, अब अपनी ही बातों से पलट रहा है। क्या कहोगे भाई इस आदमी के बारे में आप लोग? हिपोक्रेट है, ये इतना बड़ा पलटू है कि ये अपने स्टेटमेंट से मिनट मिनट में पलटी मारता है, सेकंड सेकंड में पलटी मारता है भाई साहब, इतना बड़ा हिपोक्रेट आदमी। अब भी मेरे साथ इसी बहस पे लड़ रहा था कि मोहम्मद सुपीरियर है, मैं साबित कर रहा था कि नहीं ये सारे नबी इक्वल है, तब ये बोला था नहीं मोहम्मद सुपीरियर क्योंकि उसको कुरान आया, क्योंकि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, यही बात करते भैया उसको सुपीरियर बता रहा था, और अब अपने उस स्टेटमेंट से फौरन भागा और अब कह रहा है उसका ओहदा बड़ा है। फिर पूछ रहा हूँ, देखिए मोहम्मद का ओहदा ईसा से बड़ा है या छोटा है, मुझे ये बता दे ताकि मैं अपनी अगली आर्गुमेंट रखूं, बड़ा है ईसा से मोहम्मद का रुतबा या छोटा है? बेशक ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तो पूछा था तब क्यों तकलीफ होती बोलने में, थैंक यू। अब मुझे बता दे प्यारे भाई कि मोहम्मद को भी यहूदी औरत ने जहर देकर के मारने की कोशिश की थी, जिसके वजह से वो 4 साल बाद मर गया, तेरे अल्लाह ने मोहम्मद को क्यों नहीं बचाया जिसका ओहदा ज्यादा है, उसको क्यों बचाया जिसका ओहदा कम है? आंसर भी अल्लाह की मर्जी। क्या बोला दोबारा बोल? इट वाज द चॉइस ऑफ अल्लाह। ओके इट वाज द चॉइस ऑफ अल्लाह, तो फिर कैसे कह सकता है कि मोहम्मद सुपीरियर है, उसका ओहदा बड़ा है ईसा से? तो जिंदा है भाई, सब नबी अलग अलग मकसद के लिए आए, अपने अपने काम के लिए आए। ईसा को अल्लाह ने बचाने की जिम्मेदारी ली थी, उसने कहा था कि मैं तुझको बचाऊंगा। ईसा के बारे में पहले पढ़ाई कर लेना, उसके बाद आके मुझसे बहस करना, ठीक है? मुझे 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 पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, पढ़ाई करने की जरूरत मेरे बच्चे तुझे है, मैं तुझसे। अरे ईसा, अरे अरे ईसा अलैहि सलाम, जवाब दो, तुमने पढ़ा है ना, तुमने पढ़ा है तो तुमसे सवाल मैं कर रहा हूँ, क्या अल्लाह ने ईसा को बचाने की जिम्मेदारी ली थी? कहीं कहा था कि मैं तुझे लोगों से बचाऊंगा जब लोग तुझे मारने आएंगे? अल्लाह ने ये जिम्मेदारी ली है कहीं तुम्हारी नॉलेज में? है ऐसी कोई आयत, ऐसी कोई हदीस, या फिर ऐसी कोई तौरात इंजील के अंदर ऐसी कोई वर्स है जहां अल्लाह ने कहा हो कि ईसा मैं तुझे बचाऊंगा जब तू मरना लगेगा? कहीं है? क्यों फवाद? जवाब है नहीं, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन मैं तेरे को कुरान से दिखाता हूं जहां ऐसी आयत है, जहां अल्लाह ये कह रहा है कि जिन लोगों को ये लगता है कि अल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में अपने नबी मोहम्मद की हिफाजत नहीं करेगा, उनको चाहिए कि ऊंची जगह पर रस्सी डाल करके खुदकुशी कर लें। तेरे अल्लाह ने चैलेंज दिया बाकायदा लोगों को और ये कहा कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, तो जब उसको जहर दिया गया और वो जहर से तड़प तड़प करके मर गया, तो तेरे अल्लाह ने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की जब उसका वादा किया था? और जिसकी हिफाजत का वादा नहीं किया था उसको बचा लिया? प्रॉफिट मोहम्मद 63 साल के उम्र में डेथ किए, सबका अल्लाह ने फिक्स किया है,
कौन कितना जिएगा, कौन कितना सांस लेगा, कौन मरने के और भी तरीके थे। घर में मर जाता, घर में जो है ना बीमारी से मर जाता, परेशानी में मर जाता। एक औरत ने जहर दिया, यहूदी औरत ने, ये कह करके कि अगर तू नबी है तो ये जहर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर तू एक जालिम बादशाह है तो मैंने तुझसे दुनिया को छुटकारा दिला दिया, ये कह करके जहर दिया। उसी जहर से मोहम्मद मर गया, नबूवत पर सवाल खड़े हो गए उसकी, वो नबी था ही नहीं, जहर से मर गया। बता अल्लाह ने उसे क्यों नहीं बचाया? नबी भी इंसान ही होता है, नबी भी इंसान ही होता है, ठीक है ना? तो आज के आदमी से नबी को मत। ईसा इंसान था, ईसा इंसान था कि नहीं? तो उसको क्यों बचाया? उसको क्यों बचाया? उसके पीछे भी कोई मकसद था। अरे तो मोहम्मद को जहर से क्यों नहीं बचाया जब उसका वादा किया था भाई, ये तो पूछ रहा हूँ। मोहम्मद को कौन मारने आया था? अबे यहूदी औरत ने जहर दिया, तुझे पता है मोहम्मद की मौत कैसे हुई है? पता है? हाँ, मुझे मत सिखाओ, आई नो। सिखाना पड़ेगा तुझे, बता कैसे हुई मोहम्मद की मौत? अल्लाह ने उनका फिक्स किया हुआ था। मैं कितना बोलूं भाई, कौन कितना सांस लेगा? मैं ये नहीं पूछ रहा फिक्स किया था नहीं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं पूछ रहा हूँ मोहम्मद की मौत कैसे हुई, हाउ मोहम्मद डेड? आई थिंक ही वाज किल्ड बाय ए वुमन। ही वाज किल्ड बाय अ वुमन, कैसे, हाउ? तलवार से मारा था, पॉइजन से मारा था, बर्छी से मारा था, पॉइजन की वजह से, है ना? एग्जैक्टली। तो एक यहूदी औरत ने उनको जहर दिया था जिसकी वजह से रसूल अल्लाह की मौत हो गई, राइट? क्यों नहीं बचाया अल्लाह ने जब उन्होंने वादा किया था कि मैं हिफाजत करूंगा इस दुनिया में और आखिरत की दुनिया में भी? एक आदमी तुम्हारे को जहर दे के मार दे तो ये तुम्हारी हिफाजत हुई? नहीं हुई ना। ईसा को जिंदा उठा लिया तो मोहम्मद को जिंदा उठाने का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्या बात है भाई, ये सब तो ईसा को जिंदा, ईसा को जिंदा उठाने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है ईसा को जिंदा उठाने का? सब नबी अलग अलग समय में आया, जैसे मूसा फिरौन के टाइम पे आया, ईसा आया। ईसा का पूछ रहा हूँ, ईसा को क्यों उठाया जिंदा, क्या मकसद ईसा को जिंदा उठाने का? अल्लाह नहीं चाहते थे कि ईसा को सूली पे लटकाया जाए। मैं कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, मकसद पूछ रहा हूँ, और वही अल्लाह चाहता था कि यहूदी के हाथ से मोहम्मद जहर देकर मारा जाए, राइट सर? अरे उस टाइम पे बचा लेता, कभी ना कभी तो डेथ करना ही है ना। हाँ ठीक है, तो मान रहे हो तुम उस टाइम नहीं बचाया, मान रहे हो? दुनिया में कुछ चीज का सामना खुद से करना पड़ता है, गॉड नहीं बचाता। अब तुझे खुद सोचने की जरूरत है कि जो तेरा सुपीरियर नबी है, सबसे आखिरी नबी है, सबसे आला नबी है, उसकी हिफाजत का तेरा अल्लाह वादा करता है और फिर उसकी हिफाजत नहीं करता, उसको यहूदी जहर देती है, वो मर जाता है, अल्लाह मरने देता है, लेकिन जिसकी हिफाजत का वादा नहीं किया और जो सुपीरियरिटी में मोहम्मद से कम है और जिसको लोगों ने मारा नहीं, उसको बचाने के लिए तेरे अल्लाह ने उसको जिंदा उठा लिया। तू खुद अपने मोहम्मद की औकात ईसा के सामने देख कितनी है कि अल्लाह को खुद उसको जमीन से उठाना पड़ा जिंदा बचाने के लिए, और तेरे मोहम्मद को कुत्ते की मौत सड़ने के लिए छोड़ दिया तेरे अल्लाह ने। ये तेरे मोहम्मद की औकात है, सुपीरियर बता रहा था उसको, दफा हो जाओ, डोंट वेस्ट माय टाइम। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।